क्यूट वर्ड को अगर परसोनिफाई कर दिया जाए, अगर उसको आप मतलब एज अ पर्सन देखो, वो पर्सन में किसी इंसान में कन्वर्ट हो जाए, तो ये दोनों बच्चे मुझे लगता है वो बन जाएगा, बिकॉज इतने क्यूट लगते हैं हर बार जब भी ये परफॉर्म करने आते हैं। सिंगिंग विंगिंग परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस सब एक साइड रख दो, बट जो क्यूटनेस एक लेके आते हैं ना, ये दोनों जब भी स्टेज पे आते हैं उसका कोई कंपेरिजन है ही नहीं। दोनों कितने छोटे, आई थिंक 7 7 8 8 साल, 10 10 साल के बच्चे हैं, और जब गाना गाते हैं भाई, बड़े बड़ों को हैरान कर देते हैं। और जिस हिसाब से आज अभिरव गाना जो है वो लीड कर रहे थे, पीछे से बोल रहे थे जब कोरस चाहिए था, तो गाओ 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 गाओ, और जब भी अभिरव ने मिस किया, ट्यून को मिस किया, तो कैसे पीहू उनको लीड कर रही थी कि अभी रुको अभी गाओ, अभी रुको अभी गाओ। तो जैसा इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो गया है हर एपिसोड में गा गा के, प्रैक्टिस कर करके, वो अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग है। दोनों एक दूसरे की सपोर्ट बन चुके हैं, और दोनों एक दूसरे को जो मोटिवेट करते हैं, जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, वो कमाल ही है। इस बार दोनों ने गाना मीनाक्षी जी की मूवी से ना कोई है ना कोई था गाया है, और भाई क्या ही बेहतरीन गाया है। टेक्निकलिटीज में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज भाई बहुत छोटे बच्चे हैं, और इस उम्र में ये गाने अटेम्प्ट करना, उनके मतलब समझना और उनको वो फीलिंग्स लेके आना, बिकॉज मीनिंग समझे बिना फीलिंग्स ला नहीं सकते, और उसको अंडरस्टैंड करना एंड उसको वैसे ही थ्रू कराना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। बट स्टिल ये बच्चे इतना बेहतरीन कर रहे हैं कि दैट यू विल बी शॉक्ड। अगर आपने पहले इनको गाते हुए नहीं सुना, रहा फर्स्ट टाइम इनकी परफॉर्मेंस देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे गा रहा है। वो भी एक मतलब नॉट बच्चों वाले गाने नहीं है, बड़ों वाले रोमांटिक गाने हैं, जिसमें पूरी पूरी लाइक फीलिंग्स अगर गाने में नहीं आएंगी, वही बात है, फ्लैट चला जाएगा। तो वहां पे ये बच्चे जब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यू आर लाइक बोथ सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, और खुशी भी होती है कि इतना सारा टैलेंट भरा हुआ अपने देश के अंदर, और मतलब आता ही जाता है। ये तीसरा सीजन है सुपरस्टार सिंगर का, और अगर ये 30वां 30th सीजन भी होता तो शायद ऐसा ही टैलेंट निकल के आता, क्योंकि इतना ज्यादा टैलेंट अपने देश के हर एक छोटे छोटे गांव कस्बे घर में भर भर के है, कि जितना मर्जी निकाली जाओ खत्म होने वाला नहीं है। और भाई ये बच्चे तो अलग ही लेवल हैं, जब भी आते हैं परफॉर्मेंस करके करने, सबको इम्प्रेस तो करते ही करते हैं, प्लस अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। तो अब जब मैंने अब इनकी परफॉर्मेंस देख ली, अब थ्रू आउट द वीक मेरे दिमाग में इनकी परफॉर्मेंस चलती रहती, बिकॉज क्यूट ही इतनी है, वो दिमाग में छप जाती है कि यार कैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। और जब आप खुद एक पेरेंट हो और आपके घर में एक छोटा बच्चा हो, जैसे मेरे पास प्रेशा है, मेरे साथ प्रेशा है, तो आप वो कंपेरिजन करते हो कि यार मतलब छोटे से बच्चे हैं, मेरे पास भी है छोटी सी बच्ची, वो कैसे इतना अच्छा गा रहे हैं, कैसे बड़ों की तरह गा रहे हैं, सीख कैसे रहे होंगे, इनको सिखाना कितना मुश्किल है, बिकॉज छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत सारे शरारतें करते हैं, टिकते नहीं हैं एक जगह पे, और फिर भी ये लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आई एम श्योर कि अगर एक हफ्ते में दो गाने गाते हैं, तीन गाने गाते हैं, तो दिन में 6 6 8 8 घंटे इनकी प्रैक्टिस चलती होगी, तो जाके ये ऐसा गा पाते हैं। तो वो सारी चीज़ को मैनेज करना और फिर वो चीज़ को स्टेज पर लेके आना और समझना कि आप एक कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, वो सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। बाकी आप बताओ आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।